हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुन कुमार पांडे और आज मैं आप लोगों को तुरंत बता देता हूं कि गूगल मीट पर हम कैसे कोई भी मीटिंग शेड्यूल करेंगे और इसको कैसे व्हाट्सएप या कहीं और किसी जगह पर शेयर करेंगे। तो गूगल मीट पर कोई भी मीटिंग शेड्यूल करने के लिए आपको ये दो ऐप चाहिए। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। पहला तो आपको चाहिए कैलेंडर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये मेरे पास है जो कैलेंडर। और दूसरा ऐप जो है वो चाहिए मीट, ये। अब आपको जाना है कैलेंडर के अंदर और यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर मुझे आज 28 तारीख 28th of June को 5 बजे कोई मीटिंग लेनी है या 6 बजे, 7 बजे या नेक्स्ट डे में, ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ पर 29th, 30th, 1st July एंड सो ऑन। तो अगर 28 आज के दिन में मुझे आज अगर 5 बजे कोई मीटिंग लेनी, तो 5 बजे के पास यहाँ पर मैं टच करूँगा, ऊपर से 28th और इधर से 5, ये यहाँ पर मैंने टच किया। अब नीचे आपका एक टाइटल आ गया ना, ऐड टाइटल, इस पर आप क्लिक करें, जहाँ पर ऐड टाइटल लिखा हो उसी को टच करें। टच करने के बाद इसको मैं चेंज कर दूँगा, यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे कि इंग्लिश क्लास, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि टाइमिंग ये ऑटोमेटिकली 1 घंटे का ले लेगा, जैसे कि 5 बजे से 6 बजे तक का यहाँ पे लिया हुआ, आपकी एक तरफ डेट दिख रहा है, दूसरी तरफ टाइम और फ्रॉम और टू। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो डेट पर भी टच कर सकते हो, टाइम पर भी टच कर सकते हैं। डेट चेंज करना तो डेट पे करिए और टाइम पे करना तो टाइम चेंज करना तो टाइम पे टच करिए। अब मैं सोचता हूँ नहीं, 5:30 बजे से मैं रखूँ, तो 5 पे जहाँ 5 PM लिखा उसको मैं टच करूँगा। अभी दिखा रहा है 5 को तो रहने देते हैं, और मिनट वाला जो है 00 उसको मैं टच करूँगा, तो इसको मैं कर देता हूँ 5:30। ये आ गया आपका 5:30, ओके कर दिया। अब ये 5:30 से फिर 1 घंटा का ऑटोमेटिकली ये लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर हम कर देंगे इसको 6 कर देंगे। 30 को टच किया और मैंने कहा सिर्फ 6 बजे तक। AM और PM आप देख सकते हैं, इसको AM और PM पर टच करेंगे तो वही ले लेगा ये। तो अभी ये PM ऑटोमेटिकली लिया हुआ है, हाईलाइटेड थोड़ा सा दिखता है ये, इसको मैंने कर दिया ओके। तो 5:30 PM से 6 PM तक है। अभी यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें इसको ऐड कॉन्फ्रेंसिंग, आप देखिए यहाँ पर ये बना हुआ है ना एक आइकन, जिसमें कि एक मैसेज बॉक्स सा बना हुआ है और उसके अंदर एक पर्सन बना हुआ है जिसमें ऐड कॉन्फ्रेंसिंग, इसको ज़रूर टच करना है। इसको टच हमने कर दिया और ये ऑटोमेटिकली हम गूगल कैलेंडर पर काम कर रहे हैं और ये मीट पर कॉन्फ्रेंसिंग का एक सिंबल आ गया टच करते ही। तो इससे क्या होगा कि शेयर करने में आपको और जो मीटिंग है उसको शुरू करने में, हैंडल करने में सुविधा हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर हैंगआउट में जो कॉन्फ्रेंसिंग है उसको ज़रूर टच करिए। देखिए मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसको मैंने क्रॉस कर दिया, ये टच करने पे हैंगआउट्स मीट ये आ जाएगा, ये मीट ही है। अब यहाँ पर जाकर के कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सेव कर दो ऊपर, ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया। सेव करके आप बैक आ जाएं, ठीक है। अब आप मीट खोलिए, अभी कैलेंडर का काम हो गया, अब हम मीट खोल रहे हैं, ये गूगल मीट। यहाँ पर खोलने के बाद ये देखिए ऑटोमेटिकली ये आपको दिखाई देने लग जाएगा, जैसे कि आपको न्यू मीटिंग करना है या मीटिंग को न्यू मीटिंग, तो आप कोई मीटिंग शुरू कर सकते हैं, या फिर मीटिंग कोड, कोई मीटिंग ज्वाइन करना हो उसका कोड अगर आपको पता है तो यहाँ पर कोड डाल सकते हैं। लेकिन हमें इन दोनों में से कुछ नहीं करना है, हमें शेयर करना है, जो मीटिंग हमने शेड्यूल किया उसको शेयर करना है। इसके लिए हम करेंगे स्वाइप अप, इसको स्वाइप अप कर दिया। और स्वाइप अप करने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है 5:30 से 6 के बीच में आपकी एक इंग्लिश क्लास है जो कि आपने शेड्यूल किया। अगर ये नहीं दिखे तो ये रिफ्रेश बटन यहाँ ऊपर देख रहे हैं ना, इसको टच कर दीजिएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा। अब क्या है, इसको टच करो। जैसे ही टच करोगे यहाँ पर आपका एक शेयर का ऑप्शन आ जाएगा, आप नीचे देखें, इस शेयर को क्लिक करो, ठीक है। अभी देखो व्हाट्सएप, फेसबुक या मेल वगैरह, टेलीग्राम, जहाँ भी आपको शेयर करना है मैसेजिंग वगैरह के थ्रू आप कर सकते हैं। तो मुझे जनरली ऐसा होता है कि हम व्हाट्सएप पे इसको शेयर करते हैं, तो अब मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूँ और बहुत सारे ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हमारे पास कुछ बच्चे जैसे ये बीएड इंटेलेक्ट्स वाले हैं, इनको शेयर करना है तो मैं इनको
शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ पर हमने टच किया और ये फॉरवर्ड कर दिया इनको। अभी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, अभी यहाँ पर मीटिंग यूआरएल वगैरह दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यूआरएल दिखाएगा, टाइम नहीं दिखाता है, सब्जेक्ट नहीं दिखाता है, टॉपिक वगैरह नहीं दिखाता है। इसलिए आप क्या करें कि इससे कि नीचे यहाँ पर एक एंटर ले लेता हूँ, मैं नीचे से लिख देता हूँ यहाँ पर इंग्लिश क्लास। ठीक है, और टाइम चूंकि उनको यहीं व्हाट्सएप पर ही पता चल जाएगा कि क्या टाइमिंग है, तो मैं यहाँ पर 5:32:06, अभी पीएम लगाना रह गया, अब एक में पीएम लगा देता हूँ यहाँ भी, चलो लगा देता हूँ पीएम। ठीक है, और आप और स्पेसिफाई करना चाहें तो आज का डेट दे दें। वैसे अगर वो लिंक पर क्लिक करेंगे तो उनको सब पता चल जाएगा कि क्या डेट है, क्या टाइमिंग है, लेकिन अगर आप चाहते कि नहीं व्हाट्सएप पर यहीं पता चल जाए तो इनको यहाँ, अब यहाँ से मैं इसको फॉरवर्ड कर दूँगा। लेकिन चूंकि ये क्लास में शेड्यूल अभी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं वापस आ जाता हूँ, ये वापस आ रहा हूँ मैं, और वहाँ से आपका सारा कुछ शेड्यूल हो गया, वो आप टाइम से उसको शुरू कर दें और जो बच्चे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।